और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक, जैसा आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि निफ्टी को सहारा देने में एक अच्छा योगदान अभी कर रहा है, लेकिन सैंडविच यहाँ भी बना हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज ये बैंगनी रेखा, ऊपर 20 डे मूविंग एवरेज ये हरी रेखा, इन दोनों के बीच में अभी 2 दिन से तो फंसा हुआ है। तो नए हफ्ते में क्या चाल बनेगी और किन लेवल्स का खास करके ध्यान रखना है? निफ्टी बैंक में है, कोई बहुत वीकनेस भी नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ भी नहीं है, और इसके नंबर्स जो हैं बिल्कुल राउंड नंबर्स हैं। तो सपोर्ट 46,000 पे ही है ऑन क्लोजिंग बेसिस। देखिए, इंट्राडे कोई भी डिप्स मार के कहीं से भी जाएगा, आएगा 46,000 के नीचे जब तक क्लोज नहीं हो ये इंडेक्स, इसमें फर्दर वीकनेस नहीं आएगी। और अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो 45,000 क्रिटिकल क्रूशल, जो आपको अच्छा वर्ड आ जाता है याद कर लीजिएगा, बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा 45,000। उसके बाद आपका 200 EMA से डिस्टेंस हो जाएगा और वो तकलीफ हो जाएगी इंडेक्स को, जो कि अभी तक किसी भी तरह का वो वीकनेस नहीं दिखा रहा। रिलेटिव स्ट्रेंथ है हमारे पास बैंक इंडेक्स में, वीकनेस नहीं है डेटा पे, वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। लेकिन हाँ, अब 1,000 पॉइंट को हम स्ट्रेंथ माने नहीं माने, वो अपना अपना डिस्क्रिशन है। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक के मोमेंटम में अभी टाइम है, और वो मोमेंटम आपका 47,500 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले नहीं आ सकता है वो मोमेंटम वाला स्ट्रेंथ। और 46,000 के नीचे ही इसकी फर्दर वीकनेस है, उसके पहले वीकनेस भी नहीं आएगी। तो नेट नेट ये इंडेक्स भी कंसोलिडेट करेगा, लेकिन फ्यूचर बुलिश है।